दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जिस पत्ते को पर्स में रखने के बारे में बता रहा हूं, यकीन मानिए यह पत्ते अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू करते हैं तो दोस्तों धन दौलत में 1000 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि बिना काम करे आपको पैसा मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यह संसार है, यह जो सृष्टि है कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। आपको कर्म जरूर करना है, लेकिन कर्म करने के साथ अगर मैं आप लोगों को कुछ वृक्ष के पत्ते के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे चीज हैं जिसे आप पर्स में रखना शुरू करेंगे, धन स्थान पर रखना शुरू करेंगे तो 1000 गुना ज्यादा आपके धन में बढ़ोतरी होगा। चलिए बेसिक जानकारी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पर्स को हम सब बटुआ कहते हैं, क्योंकि पर्स पर हम सब अक्सर धन रुपए पैसे और सिक्के अवश्य रखते हैं। आप भी दोस्तों अवश्य रखते होंगे। दोस्तों माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक साधन व उपाय कहे गए हैं, और जिन साधन और उपाय से माता लक्ष्मी को काबू किया जा सकता है, बंधन में बांधा जा सकता है, जिसे लक्ष्मी माता हम सब दोस्तों काबू में कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी आकर्षित होकर के हमें सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करें, वह जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों माता लक्ष्मी को आकर्षित करना और उन्हें काबू में करना बहुत ही आसान है। रावण ने वैसे रावण संहिता जो लोग पढ़े होंगे उन्हें जरूर पता होगा, रावण संहिता में रावण ने माता लक्ष्मी को धन में बांध करके रखा था। जब पूजन पाठ से मनुष्य लक्ष्मी को काबू में ना कर पाए तो ऐसे मनुष्य को तंत्र शास्त्र की सहारा लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा स्वयं माता लक्ष्मी ने नारद मुनि को कहे हैं। दोस्तों एक समय की बात है, नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपको मनुष्य किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, आप किन मनुष्यों को सिद्ध होती हो, और हे माँ पार्वती, हे माँ लक्ष्मी, आपका स्थान किन वृक्षों पर है तथा किन स्थानों पर है, कृपा करके हे माता मुझ पर प्रसन्न होकर के सारे वृतांत को कहिए। दोस्तों यह जानकारी बेहद ही गोपनीय है और बेहद ही लाभकारी है। इस जानकारी को प्राप्त करके मनुष्य शीघ्र धनवान बन सकती है, इसमें संदेह नहीं है। सो इसलिए दोस्तों आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हमारे चैनल में इस प्रकार के गोपनीय से गोपनीय जानकारी आप लोगों को सिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। हम प्राचीन ज्ञान संबंधी हर एक जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार नारद जी के प्रश्न सुनकर के माता लक्ष्मी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुमने अत्यंत मधुर और गोपनीय प्रश्न पूछ करके अवश्य ही पृथ्वी लोक के मृत्यु लोक के मानव का कल्याण करना चाहते हो। हे पुत्र, हे नारद, वैसे मुझे प्राप्त करने का अनेक विधान है, लेकिन जो सबसे सरल विधान है, जो सबसे सरल और गोपनीय है, सो मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा यह जो मैं आप लोगों को नारद जी ने माता लक्ष्मी से जो प्रश्न किए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों भी इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नारद, मुझ बिन यह संसार धनहीन और मानहीन है, मेरे ही कारण यज्ञ सफल हो पाता है, ज्ञानी जन मेरे ही कृपा से अस्त्र शस्त्र और वैभव से संपन्न हो पाते हैं। हे नारद, मैं एवं मेरे स्वरूप जिन स्थान पर बसते हैं वो तुमसे कह रही हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। माता लक्ष्मी नारद जी को अपने बसने का अर्थात दोस्तों अपने रहने का प्रथम स्थान कहते हैं कि मेरे बसने और रहने का प्रथम स्थान है गौशाला। गौशाला में मैं साक्षात अपने अष्ट स्वरूप में विराजमान होती हूँ। जो व्यक्ति गौ की पूजा या गौशाला की सेवा करता है उसे मैं स्वतः ही सिद्ध हो जाती हूँ। गौशाला में जो मेरा सेवा करता है या गौ माता स्वरूप के मेरा ध्यान करता है, उपासना करता है, उसे मैं निरोग काया प्रदान करती हूँ। जो मनुष्य मेरे चरण के धूल अर्थात मेरे गौ स्वरूप जो चरण है उसके धूल अपने घर में छिड़कते हैं, मस्तक पर लगाता है या धन स्थान पर धन वैभव स्थान पर रखता है, मैं उनकी धन वैभव को और धन संपदा को बढ़ा देती हूँ। दोस्तों इसलिए अगर आप भी धन की अत्यधिक कामना रखते हो तो अपने पर्स में धन स्थान में थोड़ा सा गौ धूल अवश्य रखा करें, एवं अपने मस्तक पर गौ के चरण का धूल का तिलक अवश्य लगाया करें। इससे आप रोग और दोषों से मुक्त रहेंगे और नवग्रह भी आपकी इशारे पर चलेंगे। दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी शत्रु, दुनिया की कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक और कितने भी जानकार क्यों ना हो, आपके बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों वैसे हम गौ धूल के बारे में कई वीडियो अपने चैनल में बना चुके हैं, सो दोस्तों आप जो है सर्च करके देख सकते हैं, गौ धूल लिखना और अंग्रेजी में प्राचीन ज्ञान लिख करके यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद माता
लक्ष्मी ने नारद जी को अपने रहने का जो द्वितीय स्थान कहे, सो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यह द्वितीय स्थान है आप लोगों को वृक्षों के माध्यम से जो माता लक्ष्मी ने नारद जी को कहे, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से सुनना, छोड़ करके आधे बीच में मत जाना, आधे अधूरे ज्ञान दोस्तों हमेशा नाशक ही होता है। तो माता लक्ष्मी ने नारद से कहा कि हे नारद, अब मेरे उपस्थित रहने का दूसरा स्थान सुनो। हे पुत्र, हे नारद, मैं हमेशा वृक्षों पर वास करती हूँ और मैं ही सृष्टि की कर्ण धात्री हूँ। माता लक्ष्मी नारद जी से कहती हैं कि हे नारद, मैं एवं मेरे दिव्य स्वरूप हमेशा प्रकृति संतुलन और मानव हित की कामना के लिए और लोगों के भूख प्यास को दूर करने के लिए हम वृक्षों पर वास करते हैं। जो मनुष्य नित्य तुलसी, पीपल, गुलर वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें मैं भौतिक सुख प्रदान करती हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप भी अपने पर्स पर, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञानी जन तुलसी, पीपल और गुलर के पत्ते हैं, इसे अपने पर्स में अवश्य रखा करे, क्योंकि इस पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और फेंग सुई के आधार पर दोस्तों, अगर तुलसी के पत्ते, पीपल के पत्ते या फिर दोस्तों गुलर के पत्ते अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं, तो आपके धन में 1000 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। कर्म करने के साथ साथ अगर इन पत्ते को पर्स या धन पेटी में रखना शुरू कर दे, तो कभी धन का अभाव नहीं होगा। अब जानते दोस्तों माता लक्ष्मी के उपस्थित रहने का तीसरा स्थान। माता लक्ष्मी कहती है नारद जी को कि हे नारद, मैं बेला स्वरूप जो लता है उन पर वास करती हूँ। इसलिए दोस्तों आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में पान के बेले लगाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है हरे वृक्षों पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अगर आप अपने घर के उत्तर दिशा में हरे वृक्ष लगाते हैं, उत्तर दिशा में अगर लता वाला पौधे लगाते हैं, जैसे कि पान के पौधे हैं या फिर मनी प्लांट का पौधे हैं, अगर यह पौधा अपने घर में लगा लेते हैं दोस्तों, घर में तेजी से धन का बढ़ोतरी होता है। और अक्सर लोगों का यह भी मानना है कि अगर पान के पत्ते पर या फिर मनी प्लांट के पत्ते पर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के बीज मंत्र रक्त चंदन से लिख करके धूप में सुखा ले, रक्त चंदन से लिख ले, और इसे अगर आप अपने पर्स में, कार्यक्षेत्र में, धन स्थान में, धन पेटी में रखें, तो तेजी से दोस्तों धन में बढ़ोतरी होता है। यह धन को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो दोस्तों जो लोग अपने घर में धन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को शुक्रवार के दिन मनी प्लांट के पौधा या फिर पान के पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। और जो लोग धन में बढ़ोतरी करने की कामना रखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पर्स में, धन स्थान में मनी प्लांट का पौधा या फिर पान के पत्ते अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी अपने धन में तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने घर में लक्ष्मणा का पौधा और मनी प्लांट का पौधा, यह दोनों के पौधा को एक साथ जरूर लगाना। माता लक्ष्मी नारद जी को स्वयं कहे हैं कि हे पुत्र, मैं लक्ष्मणा के पौधे पर विराजमान होती हूँ। इसलिए दोस्तों अगर कोई जन साधारण मनुष्य अपने घर में लक्ष्मणा का पौधा लगा ले, तो ऐसे घर में तेजी से धन की बारिश होने लगता है। धन की बारिश का मतलब है कि दोस्तों ऐसे घर का भाग्य उदय हो जाता है, धन आने का मार्ग खुल जाते हैं, ऊपर से धन नहीं बरसेंगे, धन आने का मार्ग खुल जाते हैं। तो लक्ष्मणा के पौधा और मनी प्लांट के पौधा आप अपने घर में धन की कामना रखे हैं, धन बढ़ाने के लिए, तो अवश्य लगाइए। और अपने पर्स में पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्ते, गुलर के पत्ते, मनी प्लांट की पौधे या फिर पान के पत्ते, यह पांच पत्ते में से एक पत्ते अवश्य रखिए। तेजी से आपके दोस्तों धन में वृद्धि होगा, लेकिन आपको कर्म करते रहना है। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी से आपको सीख मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे आगे शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और इस जानकारी का लाभ ले सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यार में शेयर कीजिए। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।